नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चलो आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान उन छत्तीसगढ़ के धमतरी में संकल्प शिविर में वो शामिल हुए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के 90 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी पहुंचे, जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री चिवाहा विधानसभा से नगरी आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, जहां बड़ी संख्या में आए पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा उसके प्रति समर्पित होकर सभी को काम कर कांग्रेस को जीत दिलाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकालों को लेकर कोसा, साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की तरफ से 21 सीटों पर किए गए प्रत्याशियों की घोषणा पर तंज कसते हुए उन्होंने बीजेपी शासन काल में गृह मंत्री राम सेवक पेकरा और ओपी चौधरी का टिकट काट दिया, इसको लेकर तंज भी कसा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पंचकृति 5 एलिमेंट के स्टारकास्ट इंदौर पहुंचे। फिल्म प्रमोशन को लेकर ये सभी इंदौर पहुंचे। तो पंचकृति 5 एलिमेंट के स्टारकास्ट इंदौर पहुंचे। बता दें कि पंचकृति के स्टारकास्ट बिजेंद्र कला, निर्माता निर्देशक संजय भार्गवा, निर्मित्री लेखिका हरिप्रिया भार्गव इंदौर पहुंची, जहां पर फिल्म के प्रमोशन के बाद उन्होंने दर्शकों को थिएटर में फिल्म देखने के लिए कई बड़े उपहार भी रख रखे थे। बता दें कि पंचकृति फिल्म जो अगले हफ्ते ही सिनेमा घरों में लगने वाली है, ये एक ऐसी फिल्म है जो समाज की कुरीतियों को उजागर करती है। इसको लेकर इंदौर में इसका स्टार कास्टों की तरफ से प्रमोशन किया गया, जहां प्रमोशन में स्टार कास्टों ने अलग अलग बातें फिल्म को लेकर बताई हैं। बात हो गई पंचकृति की कहानियों को शुरू मैंने काम किया। अरे इस कहानी में मैं पंडित से मिलने वाला हूँ। पंडित को ऐसा वैसा बहुत प्रकार के बनता है, वो जाता है ये भैया वो ऐसा वाला पंडित है जो कोशिश करता है कि कोई उसको एक खोपड़ी मिल गया करता है। तो वो इस रिसर्च में चला जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां कांग्रेस के पूर्व सांसद अरुण यादव छतरपुर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो पूर्व केंद्र मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव छतरपुर के बड़ामाल हार पहुंचे, जहां बड़ामाल हार प्रत्याशी डॉक्टर सुमित उपाध्याय और उनकी पत्नी एडवोकेट प्रीति उपाध्याय ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उन्होंने हजारों समर्थक के साथ कार्यालय पर उनका स्वागत किया, जहां हजार बाइक के साथ 20 किलोमीटर के रैली भी निकाली गई। बता दें कि प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बीजेपी पर जमकर करते हैं। हमारा सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का संगठन हमारे पत्रकार और ये पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद देकर बनाई थी, उसी तरह 30 में भी प्रदेश में सरकार हम बनाए। पिछले 18 सालों का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है वो आपके हमारे सामने हमारा प्रदेश में एक और पेशाब कांड सामने आया है। पेशाब कांड का आरोप थाना प्रभारी पर लगा है। तो मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड का मामला अभी थमा ही नहीं था, अब छतरपुर से भी एक और पेशाब कांड का मामला सामने आया है। इस बार इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को अंजाम देने का आरोप पुलिस पर लगा है। आरोप है कि खबर दिखाने से नाराज छतरपुर सिविल लाइन्स थाना प्रभारी कमलेश साहू ने पत्रकार मिंटू दुबे के विरुद्ध न सिर्फ फर्जी FIR दर्ज की
बल्कि लॉकअप में उनके सिर पर पेशाब किया और जान से मारने की धमकी भी दी है। जहां पत्रकार की बहन ने इस मामले में छतरपुर एसपी अमित सांगी को लिखित शिकायत दी है। शिकायत मिलने पर छतरपुर एसपी सांगी ने 48 घंटे में जांच करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तो उन्होंने बोला कि हमको इसमें तीन दाम खाना खा रहे थे ढाबे पे, इसमें तीन दाम को फंसाया, पहले हमारा मोबाइल छुड़ा लिया, वो फिर उन्हें मारने लगा और उल्टी सीधी गाली गंदी देने लगा। हमें रात में पिटाई थी थाने में, सिर्फ किसी को बताया, वो कह रहा था अभी भी किसी को बताओगे तो जान से मरवा डालेंगे। और क्या किया? और उसके ऊपर जूते भी मारा, मुँह पे बात करने की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में महिला परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ये शुभारंभ डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया है। तो छिंदवाड़ा में डीएम मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की तरफ से थाना दमुआ में फेता काटकर महिला परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि राज्य शासन महिला सशक्तिकरण की दिशा में संलिप्त है और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने कहा है कि इस केंद्र के माध्यम से इस क्षेत्र की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही उचित परामर्श प्राप्त हो सकेगा। ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से परिवार परामर्श केंद्र को आज से दमोह में संचालित किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये परिवार परामर्श केंद्र के अलावा अन्य मुद्दों पर भी महिलाएं हैं उनको अच्छी परामर्श मिलेगी यहाँ पर और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इससे क्षेत्र की महिलाओं को काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। परिवार परामर्श केंद्र का आज दमोह में उद्घाटन कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है और मूल उद्देश्य उसका लोकेशन स्थान पर होना है कि स्थानीय बड़ी लंबी दूरी जिले की तय किए बिना स्थानीय समस्याओं का स्थानीय हल ढूंढ सके, महिला शक्ति को दूर दूर तक भटकना ना पड़े अपनी समस्याओं का ढूंढने के लिए हमारी अपेक्षा रहेगी। पुलिस की सहायता से, प्रशासन की सहायता से जो भी महिलाएं उपस्थित होती है इस आंचल की, उनकी समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक हल हमको प्राप्त होगा और जो मामले कोर्ट या FIR के बाद सुलझाए जाते हैं वो परामर्श से, बातचीत से, डायलॉग से और हल निकाल कर संतुष्टिपूर्वक उनका निराकरण ढूंढ सके, ऐसा प्रयास रहे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां डीएम और जिला निर्वाचन आयुक्त के तरफ से मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया है। तो मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, जहां छिंदवाड़ा में भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से फोटो निर्वाचक नाम वाली के दूसरे विशेष संक्षिप्त परीक्षण 2023 कार्यक्रम के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने को लेकर जानकारी दी गई। तो वहीं डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी ने दूरस्थ अंचल के मतदान केंद्र का निरीक्षण भी किया है और छिंदवाड़ा के हर मतदान केंद्र का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। तो ब्रिटेन में बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां इंदौर में व्यापारी अब फुटपाथ पे लगाने वाली रेहड़ी ठेले वालों से परेशान नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में रजवाड़ा व्यापारी और फुटपाथ पर ठेला लगाकर बैठने वालों के बीच विवाद होता ही रहता है। दरअसल फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों से दुकानदार व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। नगर निगम की उनकी सुनवाई इस दौरान नहीं करता है, बल्कि फुटपाथ पर बैठने वालों से नगर निगम पैसे लेकर उनका साथ देता है। ये नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की तरफ से किया जा रहा है। इसी संवाद को देखते हुए रजवाड़ा व्यापारियों के समर्थन में सर्वदम संघ भी अब उतर आया है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के उपायुक्त ने पुलिस प्रशासन के दल से रजवाड़ा का दौरा किया, लेकिन ये दौरा भी फेल साबित हुआ। जब निरीक्षण के लिए टीम आने वाली थी तब फुटपाथ पर सामान बेचने वाले और ठेला लगाने वालों को निगम के नीचे वाले कर्मचारियों ने गायब कर दिया। ऐसे में सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दिया। इसकी जानकारी सर्वधर्म संघ के मजूर बेग की तरफ से दी गई है, जहां उन्होंने बताया
के इस दौरान ये सभी नगर निगम के कुछ कर्मचारी फुटपाथ के ठेले लगाने वाले के साथ मिलीभगत करके उनके इन सब चीज़ों का अंजाम देते हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी ये कई आरोप लगाए हैं। तो ये तो व्यापारियों पर हमले भी हो रहे हैं, उनके जान के मारने की धोज दी जा रही है, तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो किसी दिन भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। नगर निगम इसको गंभीरता से ले। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां एक टीचर का सोते हुए का वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक टीचर का क्लासरूम में सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की जगह खर्राटे मारते नजर आ रहे हैं, जहां टीचर की कुर्सी पर सोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हुए भी दिख रहा है। ये मामला पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर स्थित फगुना हटा प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। तो वहीं शिक्षक सुनील निराला इसे पुराना वीडियो बता रहे हैं, जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लिहाजा झप्पी लेने के दौरान किसी छात्र ने उनका वीडियो बना लिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। दरअसल रामनगर के विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त कुमार ने बताया है कि वायरल वीडियो को देखने के बाद इसकी सूचना शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है और इसकी जांच कर आगे की उचित कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी। एक घंटा के लिए तो नहीं जाते हैं, तो हमको पता नहीं है कि एक घंटा के लिए जाते हैं। हम स्कूल में कभी समय से पूर्व भी आ जाते हैं और अटेंडेंस बना करके मेघवा में रिवाइव पढ़ाती है, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने जाने में जो समय लग जाए। कभी कभार होता क्या कि नदी में पानी हो जाता है, वहाँ आज भी पानी था नदी में, तो पहले हम वाइफ को नदी तक पहुँचाए हैं और फिर वापस आ गए, अटेंडेंस बनाए हैं यहाँ करके 9 बजे, और हम फिर यहाँ से गए नदी हिला करके वाइफ को आए हैं, तो सवा नौ मतलब 9:30 बजे तक हम आ गए थे। सर लेट से आते हैं, जाते तो 1 घंटे के बाद आते हैं। अभी तो के पाठक जो लगाया है 9:15 में वीडियो भेजना है, अपना फोटो भेजना है, अटेंडेंस रजिस्टर का भेजना है फोटो, तो अभी समय से आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले 11 बजे आते थे, कभी कभी 11:30 भी हो जाता है। अकेले में बच्चों को संभालती थी और कहने पर हमसे उलझ जाते थे, झगड़ा करने लगते, यहाँ तक कि यही सैटरडे को आए 9:20 पर, और उसके बाद हम पूछे सर आप लापरवाह हो गए हैं, 9:15 में भेजना है फोटो अटेंडेंस रजिस्टर का, क्यों आप लेट करके आ रहे हैं। वो वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है और हम शिक्षा पदाधिकारी को ट्रांसफर कर दिए हैं, संबंधित को अपना जांच करेंगे और उसका कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कहाँ के वीडियो कुछ पता चला क्या सर? अभी तो पता हमको नहीं चला है कि कहाँ का है, लेकिन अपना बीओ साहब उसका तहकीकात करेंगे और उसके बाद कार्रवाई। तो ब्रिटेन में बात बेतिया की, जहां अनुमंडल अस्पताल के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बेतिया के पश्चिमी चंपारण के अस्पताल में नवजात बच्चे कूड़े में बरामद हुई थी। इस मामले को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के जिला संयोजक के अध्यक्ष आकाश श्रीमुख के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि नरकटियागंज के अनुमंडल अस्पताल के गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान आकाश श्रीमुख ने नरकटियागंज अस्पताल की बदहाली को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। क्या मांग आप लोगों? ये नरकटियागंज जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल सिर्फ एक नाम के लिए रह गया है, इसकी जो व्यवस्था है जर्जर व्यवस्था है, और आए दिन यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होता रहता है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रभारी भी है यहाँ मरियल प्रभारी है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ जितने सारे लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए अधिकांश उनको रेफर कर दिया जाता है बेतिया। यहाँ की जो भी बिल्डिंग की व्यवस्था है वो आज नहीं, मामूली 10 साल बने हुए हो गया है, लेकिन लगता है 50 साल बने हुए हो गया है। इसलिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन हम लोग मंडली अस्पताल की जो दुर्दशा है वो देखने लायक है। आए दिन ये तो एक रेफरल अस्पताल हो गया है, यहाँ जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं सब नगण्य है, यहाँ के मरीज जो आते हैं मरीज कम आते हैं, लेकिन यहाँ से जाते हैं तो अधिक मरीज बनकर रेफर हो जाते हैं। बहुत से समस्या है, जैसे डॉक्टरों का रोस्टर के हिसाब से नहीं काम हो रहा है, जो है डिलीवरी वार्ड में जो है पैसे की मांग की जाती है, ये सारी मुद्दों को लेकर हम लोग।
तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक गेम के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जहां जांजगीर चांपा में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई, जहां प्रथम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली और गांव से लेकर शहर तक बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो वहीं अब जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जहां पंचायत पामगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बता दें कि यह आयोजन विकासखंड स्तरीय से किया जा रहा है, जो 23 अगस्त तक चलेगा। साथ ही इस प्रतियोगिता में जोन स्तर से जीते हुए प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार की विधाएं शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन पामगढ़ के स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभा भाग शामिल हुए थे, साथ ही उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां युवा कांग्रेस के नेता को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें कि युवा नेता सुशील मौर्या को कांग्रेस की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी जमातें एक्टिव मोड पर आ गई हैं। प्रदेश के सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 11 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कर प्रदेश के 11 जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय से जिलाध्यक्षों को बदलने की बात चल रही थी, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया। बता दें कि जगदलपुर शहर के तेज तर्रार युवा नेता सुशील मौर्या को कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल लगातार 6 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राजीव शर्मा के इस्तीफे देने के बाद ये पद खाली था, जहां नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी युवा चेहरे को जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी देना कांग्रेस पार्टी के मैसेज के तौर में देखा जा रहा है। शुभकामनाएं प्रदेश में 11 नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई और वो कुछ नए जिले थे जहाँ संगठन और जिले नए बने थे, संगठन के नए जिले हम बनाए। बस्तर में 2 जिले, एक नारायणपुर और जंगलपुर शहर को नए अध्यक्ष मिले हैं और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ सभी 11 जिला अध्यक्षों को। भाई मोर्चो युवा नेता है और ज्यादातर राजनीति शुरुआत कर आज यहाँ तक पहुँचा है। शहर कांग्रेस के लिए जिला अध्यक्ष जवान मिला है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही तालमेल के साथ काम करेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा और एक नई ऊर्जा के साथ शहर में काम होगा। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारे शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में नहीं करना, शहर जगदलपुर सीट भी हमारा जीतना है, ये हम लोग का पहला है। आपका राज्य, आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।